इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम हैं इस वक्त रामपुर में। रामपुर की नगर पालिका के सामने मैं खड़ा हूं क्योंकि रामपुर मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। जी हां, आज़ादी के 75 साल पूरा होने पर हर घर तिरंगा अभियान में रामपुर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है और नगर पालिका को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे हिंदुस्तान में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। जिस घर की छत पर देखो, जिस बिल्डिंग पर देखो तिरंगा लहरा रहा है, तो फिर रामपुर कैसे पीछे रहने वाला था। रामपुर नगर पालिका ने नगर पालिका को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा दिया है। आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लग रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, हालाँकि अभी ज़्यादा लोगों को पता नहीं चला है। हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पता चले कि नगर पालिका किस कदर खूबसूरत लग रही है और रामपुर वासी अपना बेशकीमती वक्त निकालकर एक बार यहाँ ज़रूर आएं और आज़ादी के इस अमृत महोत्सव का हिस्सा भी बनें। तो आप जैसे ही नगर पालिका के अंदर एंट्री करेंगे, ये खूबसूरत से फाउंटेन आपका स्वागत करेंगे और फाउंटेन के पास से आप जब देखेंगे तो ये बिल्डिंग आपका मोह लेगी, क्योंकि इस बिल्डिंग को चार चांद लग जाएंगे जब पानी के झरने के पीछे से आप इसको देखेंगे। और आप देख सकते हैं किस कदर खूबसूरत लाइटिंग इसमें की गई है। दूर से ही ये अट्रैक्ट कर रही है, दूर से ही लोग खींचे चले आ रहे हैं। हमें भी नहीं मालूम था कि नगर पालिका इतनी खूबसूरत लग रही है। राह चलते हुए नगर पालिका की इस खूबसूरत सी तस्वीर के बाद हमसे रहा नहीं गया और हम अपने दर्शकों के लिए नगर पालिका के अंदर एंटर हो गए। एक तो नगर पालिका बहुत खूबसूरत पहले ही बनवाई गई थी और अब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इस कदर इसकी शानदार लाइटिंग की गई है, ये आपका दिल और मोह लेगी। तो वक्त निकाल कर आप एक बार नगर पालिका ज़रूर आएँ और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उस रंग को महसूस करें जो रंग हर भारतवासी पर चढ़ा हुआ है। मुझे सदाद अली खां के साथ दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद।